अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ आपके लिए। और ये दूसरा व्लॉग है, और ये भी मैं दरअसल एक मुक़दस मकाम की ज़ियारत करवाने वाला हूँ। एक तारीख़ी मकाम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी भी ज़ियारत कराऊँ। ये क्या मकाम है और किन का मकाम है और क्यों मैं इसको मुक़दस कह रहा हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं उस तरफ वीडियो का रुख घुमा रहा हूँ ताकि आप इस गेट को मुलाहज़ा कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले जो एक व्लॉग बनाया था वो भी पंजाब का ही था, और ये भी पंजाब का ही है। वो पंजाब ब्रास का था, और ये पंजाब भटिंडा की एक जगह है जहाँ पर एक आरामगाह है, मज़ार है, और मुक़दस मकाम है। किसका है और क्यों मुक़दस है वो ज़रा सुनिए। दरअसल ये बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला की दरगाह है। कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले मुसलमान की दरगाह है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो शख्स जो हिंदुस्तान का सहाबी है। जी हाँ, वो शख्स जो हिंदुस्तान का सहाबी है। बहुत मुदल्लल तारीख़ है, आपको मिल भी जाएगी, और बहुत बासर लोग बासर शख्सियात की ज़बान से बयान की गई हज़रत की दास्तान है, हज़रत की तारीख़ है। और तारीख़ क्या है कि हज़रत बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला, पहले तो सुने कि इनकी उम्र 700 साल हुई। जी हाँ, 700 ईयर्स इनकी उम्र हुई। और इसका जो पस मंज़र था वो ज़रा मुलाजा कर लें कि ये एक ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, तिजारत किया करते थे, और तिजारत के लिए मुल्क शाम वग़ैरह जाया करते थे। और उसी तिजारत के लिए मुल्क शाम वग़ैरह गए हुए थे, तो अरब के इलाके का भी दौरा किया। तो वहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह पर आप बकरियों को चरा रहे थे, बचपन का आलम था। तो उस वक्त हज़रत बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन के आलम में देखा। और उसके बाद हुआ क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आए और मुझे इस मतलब नदी या नाला जो भी रहा होगा उससे क्रॉस करा दे, पार करा दे। आप इंतज़ार कर रहे थे, तो हज़रत बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला इस कैफियत को जब आपने देखा, हज़रत बाबा रतन हिंदी ने, जिनके मज़ार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्होंने देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए, और करीब जाने के बाद कंधों पे उठाया, और उठाने के बाद पार करवा दिया उस नाले को। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पार करवाया तो उस वक्त कोई तारुफ नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, और दुआ भी 7 मरतबा दी कि अल्लाह ताला तुम्हें लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे। तो लिखने वालों ने जो लिखा है वो ये लिखा है कि उस एक बार की दुआ में अल्लाह पाक ने 100 साल अता किए, यानी कि फिर 700 साल हज़रत बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला उनकी जो है वो उम्र शरीफ हुई। और उसके बाद फिर जो सहाबी वाली बात है वो इस तरह हुई कि बाबा रतन हिंदी की उम्र चूँकि लंबी थी, तो वो चाँद के 2 टुकड़े वाला जब मौजज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोनुमा हुआ, तो पता चला कि यहाँ इंडिया में भी पता चला कि इस तरीके से चाँद के टुकड़े किए गए। जब बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला ने इस बात की तहकीक की, तो पता चला कि किसी ने नबूवत का ऐलान किया है, और ये उनका मौजज़ा है कि चाँद के 2 टुकड़े हुए हैं। लिहाजा बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला अरब शरीफ तशरीफ़ ले गए ताकि इस बात की मज़ीद तहकीक की जाए और इसका पस मंज़र जान लिया जाए। तो वहाँ जाके जब मक्का पहुँचे तो पता चला कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिजरत करके मदीना शरीफ जा चुके हैं, और आप फिर मदीना शरीफ गए। मदीना शरीफ जाने के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, और उस बात की तहकीक की कि चाँद के टुकड़े क्या आपकी ज़ात से हुए, तो बताया कि हाँ, चाँद के टुकड़े मैंने किए और मैं नबी हूँ। तो हज़रत बाबा रतन हिंदी ने ये कलिमात अर्ज़ किए कि अगर आप नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाएं। तो फिर जो तारीख़ी कलिमात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए वो ये हैं कि रतन हिंदी, क्या वो मौजज़ा काफ़ी नहीं है कि जब बचपन में तुमने मुझे नाला पार कराया था और मैंने तुम्हें 7 मरतबा दुआ दी थी। अल्लाहु अकबर, ये बात कही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। जब ये बात कही तो बस रतन हिंदी ने कलमा पढ़ लिया, और उसके बाद ये वो शख्स थे जो हिंदुस्तान के थे और सहाबी हुए, क्योंकि ईमानी आंखों से फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, और उसके बाद वापस लौट के अपने हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए। उसके बाद फिर कभी नहीं गए। मैं उन्हीं की कब्र के पास आपको लेकर चल रहा हूँ ज़ियारत के लिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या शेख। आप कब्र की जो है ज़ियारत कर लें। ये पंजाब में भटिंडा शरीफ है एक जगह, भटिंडा पंजाब में ये है। ये कब्र शरीफ है हज़रत की बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला की। दूर दराज से लोग, हिंदुस्तान के जगह जगह के लोग यहाँ पर सफ़र करते हैं, और यहाँ पर सभी मज़हबों के लोग
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे यहाँ पे आते हैं, आने के बाद यहाँ पे सेवा भी करते हैं और जो कुछ भी उनकी तरफ से खिदमत पेश की जाती है वो खिदमत भी पेश करती हैं यहाँ पे। मतलब एक कह सकते हैं कि एकता की बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पे देखने को मिल सकती है और बहुत ज़्यादा सुकून है इस जगह पे, बहुत ज़्यादा तस्कीन हासिल हुई है दिल को यहाँ पर आके। और बेशक मतलब वो शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने देखा हो फिर वो आराम फरमा हो, तो फिर मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और 700 साल उम्र, एक तरीके से जितने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं सबसे ज़्यादा उम्र इन सहाबी की हुई जो हिंदुस्तान से हैं। यहाँ पर मेरे साथ तशरीफ़ लाए जनाब यामीन साहब और दूसरे आरिफ साहब। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए यहाँ करीब में जो है यहाँ और भी चीज़ें हैं, मस्जिद वगैरह है और यहाँ एक गुरुद्वारा है जो बिल्कुल करीब में है, बिल्कुल पास में, आप देख सकते होंगे वीडियो में। तो टाइम टाइम पर मतलब वहाँ पे जो उनके रसूमात हैं उसको अदा किया जाता है। खैर मकसद ये है कि ये बठिंडा में है, अच्छी जगह है, बठिंडा शहर है, ज़िला है शायद, तो यहाँ पर आप तशरीफ़ लाएं, मतलब एक नया एक्सपीरियंस आपको इस तरह मिलेगा कि एक सहाबी के मज़ार पर आप हिंदुस्तान में हाज़िर होंगे। तो हिंदुस्तान में और भी सहाबा इकराम के मज़ार हैं लेकिन वो नहीं के जो अरब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन ये वो मज़ार है जो कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और सहाबी हैं। तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, ये बहुत ज़्यादा सुकून की जगह मुझे लगी। इंशाल्लाहुल अज़ीज़ आपको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। अपने कलिमात को बस इन दुआ पे अपनी बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी जगहों पे आने और ख़ास तौर पे इनके मिशन पर चलने की तौफीक दे, इनके नक्शे कदम रस्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।